हाय चलिए देखते कैशबैक कार्ड को घर बैठे ही अपने मोबाइल फोन से ऑनलाइन कैसे मंगवा सकते हो क्या है इसमें सारे स्टेप्स ये आप जानोगे इस लाइव ट्यूटोरियल में एसबीआई कैशबैक कार्ड को अप्लाई करने की लिंक मैंने पिन कमेंट में दे दी है लेट्स गेट स्टार्ट एस बी कार्ड को अप्लाई करने के लिए आपको पिन कमेंट में दी गई लिंक पे करना है क्लिक देन आप इस वाले पेज पे आ जाओगे ये पेज आपको मोबाइल पे भी सेम ऑप्शंस के साथ ही दिखेगा ठीक है तो मैं आपको ये पूरा अभी लैपटॉप पे बता रहा हूँ ताकि आपको क्लियरली नजर आए हम क्या डिटेल्स पे फिलअप कर रहे हैं अब बात करें यहाँ पे एस कार्ड को अप्लाई करने की तो यहाँ पे आपको सारे के सारे एस बी बताए जाते हैं तो अगर आपको सिर्फ कैशबैक एस कार्ड ना चाहिए एंड आप किसी और कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हो एस का ही तो इसे भी आप सिलेक्ट करके यहीं से अप्लाई कर सकते हो इस वीडियो में चलो देखते कि आप कैशबैक एस बी कार्ड को कैसे अप्लाई कर सकते हो आपको यहाँ पे अप्लाई नाउ के बटन पे करना है क्लिक एस बी आई कार्ड स्प्रिंट ओपन हो जाएगा जब आप आगे बढ़ रहे हो तो ये आपसे कह रहे हैं कि आपको कुछ डिटेल्स हैंडी रखनी है जैसे कि पैन फोटोग्राफ आधार नंबर एंड बैंक अकाउंट डिटेल्स आपको स्टार्ट अप्लाई जर्नी पे करना है क्लिक अगर आपने कहीं पे एप्लीकेशन बीच में ही छोड़ दी थी तो आप रिट्रीव भी कर सकते हो इस पे क्लिक करके तो अगर आप नई जर्नी कर रहे हो तो आप यहाँ पे कर दे क्लिक तीन सिंपल स्टेप्स में आपको ये एप्लीकेशन पूरी करनी है पहला स्टेप है पर्सनल डिटेल्स सेकेंड है प्रोफेशनल डिटेल्स एंड थर्ड है केवाई डिटेल्स सो पहले करते हैं पर्सनल डिटेल्स को पूरा यहाँ आपको आपका नाम इनपुट करना है एस पर योर आधार कार्ड ठीक है तो यहाँ पे आप फर्स्ट नेम मिडिल नेम एंड लास्ट नेम इनपुट करेंगे यहाँ मोबाइल नंबर भरना है एंड ये वही मोबाइल नंबर भरिएगा जिस पे आपको आगे चल के एस कार्ड की तरफ से सारे मैसेज आएंगे ट्रांजैक्शन एसएमएस आएंगे ओ भी आएंगे इन सारी डिटेल्स को भर के आई द टर्म्स एंड कंडीशन पे क्लिक करके देन आप यहाँ कंटिन्यू पे करेंगे टैप आपके मोबाइल पे ओटीपी भेजा जाएगा इसे यहाँ इनपुट करें एंड इसे कंफर्म कर दें एंड टैप करें आप कौन सी सिटी से हैं ये या आप यहाँ इनपुट करें एंड कंफर्म करें अब आपसे पैन नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ मांगी जा रही है इन्हें इनपुट करके यहाँ कंफर्म कर सकते हो अगर आपकी डिटेल्स ऑलरेडी इनके सिस्टम में है तो आपको स्क्रीन पे बताई जाएगी इन्हें आप क्रॉस चेक कर ले सही है तो आप यहाँ पे कंफर्म करें, नहीं तो आप यहाँ पे एडिट पे भी क्लिक करके इन्हें चेंज कर सकते हो अब आपसे कुछ एडिशनल डिटेल्स और मांगी जा रही हैं, जैसे कि माय मदर्स नेम इज माय ई आईडीज़ एंड अगर कोई रेफरल कोड हो तो ये यहाँ पे इनपुट कर सकते हैं देन यहाँ आप

डिजी लॉकर की इस वेबसाइट पे आप यहाँ अपना आधार नंबर इनपुट करें एंड नेक्स्ट पे करें टैप आपको टेम्पररी ओटीपी मिलेगा जो आप यहाँ करेंगे इनपुट एंड देन कंटिन्यू पे करेंगे टैप एस कार्ड यहाँ पे कुछ परमिशन मांग रहा है तो इन्हें आप कर दे अलाउ नेक्स्ट आप रेसिडेंशियल एड्रेस को करेंगे कंफर्म या अगर एड्रेस में कुछ चेंजेस हो तो आप इस पे भी टैप कर सकते हो एंड देन आप कंटिन्यू पे कर दे टैप एड्रेस कंफर्म करते ही आपको योर कार्ड विल बी डिलीवर्ड टू द सिलेक्टेड एड्रेस पोस्ट अप्रूवल लिख के आएगा अब आप कंटिन्यू एंड कंफर्म कर देंगे नाउ मुझे आ चुका है टी अंकुश थैंक यू फॉर योर रिक्वेस्ट एप्लीकेशन नंबर बता दिया जा रहा है एंड मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है एडिशनल टू प्रोसेस दिस एप्लीकेशन अब मैं प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन के इस बटन पे करूंगा टैप अब मेरे सामने ये वाला पेज ओपन हो चुका है जहां मुझे एडिशनल पर्सनल डिटेल्स में फादर्स नेम मेरा क्वालिफिकेशन अगर कोई क्रेडिट कार्ड नंबर हो तो वो इनपुट करना है मदर्स मेडन नेम ये सारी चीजों को यहां इनपुट करके नेक्स्ट पे करना है टैप सेकेंड स्टेप पे आपसे रेसिडेंशियल एड्रेस रिलेटेड कुछ चीजों को कंफर्म करा जा रहा है कि आपका करंट रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है इन करंट रेसिडेंस कितने हुए प्रेफर्ड मेलिंग एड्रेस क्या होगा कि आपका परमानेंट एड्रेस सेम है एज योर करंट एड्रेस येस या नो एंड देन आप नेक्स्ट पे कर दे टैप एडिशनल प्रोफेशनल डिटेल्स में स्टेप वन ऑफ थ्री में आपसे एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स को मांगा जा रहा है जैसे ऑफिस फोर नंबर ये ऑप्शनल है हालांकि तो अगर ये हो तो आप यहाँ पे इनपुट कर दे टैप स्टेप टू में आपसे ऑफिस एड्रेस कंफर्म करा जाएगा यहाँ इनपुट करे देन नेक्स्ट पे कर दे टैप स्टेप थ्री में आपकी एनुअल इनकम पूछी जा रही है यहाँ इनपुट करें सबमिट कर दे नेक्स्ट मुझे एक अपॉइंटमेंट स्केड्यूल करने का ऑप्शन बताया जा रहा है जहां मुझे प्रेफर डेट एंड टाइम लेक्ट करना है ताकि मेरी ई e के वाई सी यहाँ पे कंप्लीट हो जाए फाइनल पेज आ चुका है जहाँ लिखा है थैंक यू मेरी ऑनलाइन एप्लीकेशन कंप्लीट हो चुकी है इसके आगे एस बी आई कार्ड के रिप्रेजेंटेटिव अब अगर और कोई डिटेल्स चाहिए तो मुझसे करेंगे कंफर्म वेरिफिकेशन कर लेंगे एंड इसके बाद सब सही लगा, तो एस बी आई कैशबैक कार्ड मेरे घर पे आ जाएगा कार्ड आते ही मैं आपको इसकी अनबॉक्सिंग की वीडियो भी शेयर करूंगा वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज आप इसे लाइक करें मेरी चैनल को सब्सक्राइब भी करें बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी दबा दें मन में कोई सवाल आए तो उसे कमेंट्स में जरूर बूझ मिलेंगे मेरी अगली वीडियो में जय हिंद वंदे मातरम